पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार यानी 15 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। इस साल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव है और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव, तो ऐसे में लोगों को कई सौगातें मिल सकती है। भले ही राज्य की सरकार केंद्र से फंड नहीं मिलने का आरोप लग रही हो, इस कारण सामाजिक योजनाओं पर जोर देने की संभावना है। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बुधवार दोपहर 2 बजे विधानसभा में बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र पर आर्थिक भेदभाव का आरोप लगा रही है। लोगों को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि जैसे केंद्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वैसे ही पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री भी एक महिला ही है। बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बुधवार को राज्य का बजट पेश करेगी और यह दूसरा मौका होगा जब चंद्रिमा राज्य का बजट पेश कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार अपनी सामाजिक योजनाओं को जारी रखना चाहेगी। बंगाल सरकार हमेशा केंद्र पर आरोप लगाती रही है कि कई योजनाओं के पैसे केंद्र नहीं दे रहा है। इसके बावजूद बजट में उच्च शिक्षा, किसानों को राहत, अनुसूचित जाति जनजाति सरकार मुफ्त राशन, इलाज, शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाओं का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मंच से जिस तरह से बंगाल को उद्योग को बढ़ावा देने की बात करती आई है, इस बजट में भी रोजगार को लेकर कुछ उल्लेखनीय घोषणाएं हो सकती है। जानकारी के मुताबिक राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और वित्तीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष अमित मित्रा ने बजट पर विशेष सलाह दी है। बजट पेश होने से पहले बुधवार को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक में बजट पारित किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ त्रिमूल के अन्य विधायकों ने केंद्र द्वारा सामाजिक परियोजनाओं से वंचित किए जाने के खिलाफ रैली की थी। राज्यपाल के बजट भाषण की सराहना करते हुए विधायक अपूर्व सरकार ने कहा, लक्ष्मी भंडार मुख्यमंत्री के दरवाजे पर सरकार सहित अधिकांश परियोजनाओं की केंद्र सराहना करते बंगाली कई मामलों में अव्वल रही है, लेकिन अगर अन्य सभी राज्यों को पैसा दिया भी जाता है तो वे बंगाल को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बंगाल फिर से फास्ट ना हो जाए। सीएम ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार पर आर्थिक भेदभाव का आरोप लगाती रही है। सीएम का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का पैसा बंद कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार यह योजना बंद नहीं करेगी और अपनी रकम से राज्य के गरीब लोगों की योजनाओं का संचालन करेगी।